हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो ये सोशल साइंस है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, हिस्ट्री नाजिशम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो जो नाजिशम का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे, और जो हिटली का जो राइज है हिटलर का उसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ओके, जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 to 1918। जर्मनी ने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था। ठीक है, कब से कब तक चला? ये 4 साल तक, 1914 to 1918। अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलियन अम्पायर, किसके साथ में? ऑस्ट्रेलियन अम्पायर का साथ में लड़ा है अगेंस्ट द एलिलीज। जो एलिलीज थे वो कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, रशिया से थे, ये तीनों थे। जर्मनी इनिशियली मेड गेंस बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। ठीक है, तो जो गेन उनको मिल रहा था वो फ्रांस और बेल्जियम से मिल रहा था। हाउ एवर द एलिलीज वॉन डिफीटिंग जर्मनी। जो एलिलीज थे वो जीत रहे थे, लेकिन जर्मनी को हरा रहे थे, डिफीट कर रहे थे। एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1980, जो हम लोग का सेंट्रल का पावर था इसमें, तो 1980 में हुआ था। तो अ नेशनल असेंबली मेट अ वाइमर, तो एक नेशनल असेंबली जो है हमारा वाइमर के साथ में मिला। एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फिर हमारा आता है द रिपब्लिक, हाउ एवर वॉज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ये अपने ही पीपल पे क्या कर रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे थे लार्जली पे। ठीक है, कारण क्या था? बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट, एक टर्म रख दिया गया कि हाँ, एक फोर्स करके जर्मनी के सामने में कि जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मनी डिफीट हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो बहुत सारे जर्मन्स जो क्या किए, जो वाइमर रिपब्लिक था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए नहीं थे? जो हमारा डिफीट नहीं हो पा रहा था इसमें वॉर के अंदर, बट डिसग्रेस एट वेरिसल्स, लेकिन इसके बारे में उन लोगों को डिसग्रेस था जो वेरिसल्स हुए थे। फिर आप हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ द वॉर, जो आपका एक सेकेंड गाइस, हाँ, वॉर का देखते इफेक्ट क्या हुआ। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली। देखिए, वॉर कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इससे आपको दो हैमरेज होता है। पहला हैमरेज होता है आपको साइकोलॉजिकली, जो मेंटली जिसको बोलते हैं, एंड फाइनेंशियली, पैसा से। वॉर में ये दोनों चीज़ बहुत इंक्लूड होता है। फ्रॉम बींग अ क्रेडिटर, यूरोप बिकम अ डेबिटर। क्रेडिटर से क्या हो गया यूरोप? एक डेबिटर बन गया, माने कर्जदार। द सपोर्टर्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक वेर क्रिटिसाइज्ड, अब जो सपोर्टर्स थे वाइमर रिपब्लिक का वो क्रिटिसाइज करने लगे, मतलब कंप्लेन करने लगे। एंड बिकम अ इजी टारगेट्स ऑफ अटैक, अब ये क्या हो गया कि ये इजी टारगेट हो गया। ठीक है, अटैक्स के इन द कंजर्वेशन नेशनलिस्ट सर्कल्स, कहाँ पे? कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल के अंदर में ये सारा चीज़ होने लगा। सोल्जर केम टू प्लेस अबव द सिविलियन, सोल्जर क्या हो गए? सिविलियंस की जगह पे आ गए। एग्रेसिव वार प्रोपोगंडा एंड नेशनल ऑलर बिकम इम्पॉर्टेंट, अब क्या हो गया? एग्रेसिव वार प्रोपोगंडा का जन्म हुआ वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ हमारा? नेशनल ऑनर बिकम इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग का नेशनल ऑनर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था? द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कॉन्साइड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिसिट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। देखिए, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया हुआ था उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको जाके वॉच कर सकते हैं। तो वाइमर रिपब्लिक कॉन्साइड होकर किसके साथ में? अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिसाइट लीग, जो स्पार्टिसाइट लीग होने लगा, पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन द रशिया। फिर क्या हुआ? द स्पार्टिसाइट्स फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, अब क्या हुआ, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जर्मनी में फाउंड किया। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वॉज द हाइटेंड बाई इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, अब क्या हुआ हमारा पॉलिटिकल जो रेडिकलिज्म था इसका वजह से क्या हुआ, एक अच्छा हाइट पकड़ लिया, जिसका वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 1923 में जर्मनी में, एज जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर रिप्रेशंस। ठीक है, जर्मनी मना कर दिया कि हम लोग वॉर रिप्रेशंस को एकदम पे नहीं करेंगे। फ्रांस ऑक्यूपाई इट्स लीडिंग इंडस्ट्री एरियाज रूर। ठीक है, अब फ्रांस क्या हो गया, ऑक्यूपाइड कर लिया इसका इंडस्ट्री एरिया को। जर्मनी रिटेल्ड विथ अ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। ठीक है, जर्मनी क्या क्या रिटेल करने लगा, प्रिंटिंग पेपर जो करेंसी था हमारा। द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, जो आपका एक कोई भी मार्क होता है किसी भी कंट्री का या किसी भी देश का, वो कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। द प्राइस ऑफ गुड्स आर सोअर्ड एंड देयर वॉज अ हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन सब जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंदी। मंदी स्टार्ट होना हो गया गुड्स का लिए भी, सब चीज़ के लिए दाम बहुत हाइक करने लगा हर चीज़ का। ठीक है, उसका बाद देखेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1924 से 1928 जब इन्फ्लेशन आए, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या हुआ, 1924 से 1928 में
ये लोग ने क्या किया, कुछ स्टेबिलिटी देखा, येट इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड, ठीक है, रेत के जैसा था यह। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स, जर्मनी पूरा डिपेंडेंट हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स पे, लार्जली फ्रॉम द यूएसए, यूएसए के द्वारा, एंड दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन विद द क्रेश ऑफ 1929। अब क्या हुआ कि ये लोग हाथ हटा लिया, अपना सपोर्ट करना बंद कर दिया इसको, कब, जब मार्केट क्रैश हुआ 1929 में ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट था जर्मनी का वो क्रैश हो गया 1929 में। उसके बाद जर्मनी इकोनॉमिक वॉज हिट बैडली, देखिए इन हाइपर इन्फ्लेमेशन था, उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मैंने पूरा खत्म। तो जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी का जो इकोनॉमिक था बहुत बैडली हिट हुआ था। द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटरलाइजेशन, ठीक है, वहाँ पे पूरा एकदम फेयर फैल गया। तो द रिमर, जो हम लोग का वेमार रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, ये जो वेमार रिपब्लिक का जन्म हुआ था फॉर्मेशन का, इसका दो डिफेक्ट देखेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आर्टिकल 48, ये जो आर्टिकल 48 होता क्या है, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट को पावर देख रहे हैं जिससे क्या होगा, वो एमरजेंसी इम्पोज कर दिया। सस्पेंडेड सिविल राइट्स, तो सस्पेंड कर दिया सिविल राइट्स को, एंड रूल बाय डी3 भी किया वहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिटलर राइज टू पावर। अब हिटलर का यहाँ से पावर कैसे स्टार्ट हुआ, हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था और 1889 में हुआ था। ही अर्न मेनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने बहुत सारा मेडल जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रेवरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जब जर्मन डिफीट हुए तो सबसे ज़्यादा डरने वाला जो बंदा था वो था हिटलर, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मेड हिम फ्यूरियस, जो ट्रीटी हुआ था वर्सेल्स का उसको और क्या किया, अंदर से फ्यूरियस बना दिया। ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने क्या किया कि जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया, एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने उस जर्मन वर्कर पार्टी को फिर से नाम दिया, उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उसके बाद क्या, दिस लेटर कम टू नोन एज नाजी पार्टी। अब यही आपका जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी है, ये बाद में जाकर के बना नाजी पार्टी, यहाँ तक क्लियर है गाइस। उसके बाद देखिए नाजिशम बिकम अ मास मूवमेंट, जो नाजिशम हो गया उसमें क्या हुआ, मास मूवमेंट होने से स्टार्ट हो गया। ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, द नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ट द होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, अब जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो स्ट्रीट करने लगा होप, और फ्यूचर से ज़्यादा लोगों को होप होने लगा। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, देखिए हिटलर तो पावरफुल था ही लेकिन एक इफेक्टिव स्पीकर था, जिसका इफेक्ट जो था पूरा जर्मनी में फैल रहा था धीरे धीरे करके। ही प्रॉमिस दैट द पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग नेशन, लोग को लेकर के वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना रहा था, उसने ऐसा वादा किया था। ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, और सबको नौकरी मिलेगा ऐसा उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब क्या हुआ कि हमारा दूसरा चैप्टर आता है जो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर अचीव द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ 30 जनवरी 1933। अब हिटलर को क्या हुआ कि सबसे हाइएस्ट पोजिशन मिल गया कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में, कब मिला था, 30 जनवरी 1933। हिटलर नाउ सेटअप द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, अब हिटलर क्या किया, एक सेट आउट किया कि हम डिसमेंटल करेंगे स्ट्रक्चर को जो कि डेमोक्रेटिक रूल था। अब क्या हुआ, द फायर डिक्री ऑफ द 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड द सिविक राइट लाइक अ फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली। अब फायर डिक्री हुआ तो कब हुआ, 18 फरवरी 1933 को, जनवरी में 30 जनवरी 1933 को ये आया, उसके बाद 28 फरवरी 1933 को उसने सस्पेंड कर दिया सिविक राइट को भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, प्रेस और असेंबली सबको। कम्युनिस्ट वेयर हुडली पैक्ड ऑफ अ न्यू इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है। अब जो कम्युनिस्ट थे वो बहुत जल्दी जल्दी पैक करने लगे, किस चीज़ को, जो नया इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर बैंड, अब क्या हुआ, सारा पॉलिटिकल पार्टी वेयर बैंड। अब हिटलर एक तानाशाह के जैसा बिहेव कर रहा था अपने कंट्री के साथ। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल द इम्प्यूनिटी, अब स्पेशल सर्विलेंस बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए ताकि लोगों पे उसका जो रूल कर रहा है उसको बनाए रखे। फिर आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिस्ट हाल्जमार सचेत वॉज गिवेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, हाल्जमार सचेत ने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम इकोनॉमिक का रिकवरी करेंगे, मतलब जो मेरा देश का जो माली हालत ख़राब है उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, दिस वॉज टू बी डन
थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब क्या हुआ, इसके थ्रू में क्या हुआ, हम लोग का स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम हुआ। हिटलर पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। हिटलर क्या किया, सब जगह से पुल कर लिया अपना जितना भी लीग था, कहाँ पे 1933 में। रीऑक्यूपाई द रेहनलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। इसका सिर्फ एक ही स्लोगन था, एक लोग रहेंगे, एक अम्पायर रहेगा और एक नेता रहेगा। ही देन टुक द आपका सडेंटलैंड फ्रॉम द कैजी स्लोकोविया। ठीक है, कैजी स्लोकोविया में हुआ ये सारा चीज़, तो स्कॉटलैंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हिटलर को क्या हुआ, अनस्पोकन सपोर्ट मिलने लगा इंग्लैंड का। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, इसका बाद भी हिटलर रुका नहीं। ही चूज अ वॉर एज अ वे ऑफ आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, उसने वॉर को चुना इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। रिसोर्सेज क्या हुए, एक्यूमुलेट होने लगे थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी में। इन सेप्टेम्बर 1940 जर्मनी इन्वाडेड पोलैंड। अब जर्मनी क्या 1940 में इन्वाड करने लगा पोलैंड को। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया वॉर किसे, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में। यूएसए रेसिस्ट द इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, यूएसए क्या हुआ, रेसिस्ट हो गया, उसको रोक दिया गया कि इस वार में नहीं आने के लिए। बट वेन द जापान एक्सटेंड इट सपोर्ट टू हिटलर बॉम्बार्ड पियल हार्बर। ठीक है, जापान क्या किया, हिटलर को सपोर्ट करने स्टार्ट किया और बॉम्ब कर दिया, कहाँ पे, पियल हार्बर। द यूएसए इंटर द वार। अब क्या हुआ, यूएसए तो रुका हुआ था जैसे बोला गया था, लेकिन क्या हुआ, अब वो वार का अंदर आ गया, बोला जापान अगर सपोर्ट कर रहा है आपको तो हम वार का अंदर आ रहे हैं। एंड द वार एंडेड इन 1945 विथ हिटलर डिफीट एंड यूएसिंग बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा नागासाकी इन जापान। जो एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में यूएस के द्वारा, यही हुआ था और हिटलर भी हारा था उसमें। अब देखिए द नाजी वर्ल्ड व्यू, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी, जो नाजी का एक सोच था, एक आइडियोलॉजी था, वी आर नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, पीपल के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं है, बट ओनली रेडिकल हार के, सॉरी रेशियल हार के है। द नाजीज क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एनिमिलेटिंग ऑल दोज हु आर कंसिडर्ड टू बी अनडिजायरेबल। जो अनडिजायरेबल करेक्टर मतलब लग रहा था वो लोग को, तो फिजिकली वो लोग एलिमिनेट कर रहा था। दे वॉन्टेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे कि एक प्योर सोसाइटी बने, ये उनका आइडियोलॉजी था नाजी का, एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस भी हो, जिसमें ज्यू, जिप्सी, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स, इवन सर्टेन जर्मन्स एंड एबनॉर्मल वेयर कंसिडर अनडिजायरेबल। ये सारे जितने मैंने अभी नाम बताए ये सब अनडिजायरेबल कंसिडर में थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी। अब इसमें क्या हो गया आपका, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरिज्म या लिविंग स्पेस। ठीक है, तो हिटलर आइडियोलॉजी रिलेट कर रहा था जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरिज्म, या इसको हम लिविंग स्पेस बोलते हैं, कि यहाँ एक जगह रखने की जो कैपेसिटी है। फिर हमारा देखेंगे यहाँ पे, ज्यूस वेयर द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है ना नाजी जर्मनी के दौरान में, तो ज्यूस को। ठीक है, इसमें आपका सफ़र में मैं कहना चाहूँगा एक साइंटिस्ट, उसका नाम लेना चाहूँगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया है। ठीक है, हिटलर बिलीव्ड इन पीसीओडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। उसको क्या था, उसका बिलीव जो था वो पीसीओडो साइंटिफिक थ्योरी पे था, जो रेस हो रहा था। वी से दैट द कन्वर्जन वॉज नो सोल्यूशन, जो कन्वर्जन था उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, कहाँ पे, टू द जीविस प्रॉब्लम, जो हम लोग का जीविस प्रॉब्लम है, इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया जा सकता है, कहाँ से, पूरा एलिमिनेशन करके, फ्रॉम 1933 टू 1938। तो 1933 से 1938 में क्या हुआ, द नाजी टेररिस्ट पपराइज्ड एंड सेग्रीगेट द ज्यूस कंपाइलिंग देम टू लीव द कंट्री। ठीक है, लोग कंपाइल कर दिया, नाजी टेररिस्ट जो था परप्राइज किया, सेग्रीगेट किया ज्यूस को, कंपाइल कर दिया और लीव द कंट्री, कंट्री भी छोड़ दिया। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945 एम टू कंसंट्रेट देम इन सर्टेन एरिया एंड देन किलिंग देम इन अ गैस चैम्बर इन पोलैंड। गैस चैम्बर इन पोलैंड में लोग को मार दिया गया। द रेशियल इटोपिया, रेशियल इटोपिया को देखेंगे क्या है ये, तो जीनोसाइड एंड द वॉर बिकम द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्का का दो पहलू था, जीनोसाइड था और जंग वॉर, बिकम द टू साइड ऑफ ए कॉइन। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड, जो आपका ऑक्यूपाइड पोलैंड था वो डिवाइडेड उन्होंने स्टार्ट हो गया। पोल्स वेयर फोर्स टू लीव, जो उन लोग का पोल्स था उसको लीव करना पड़ा फोर्स करके, फ्रॉम होम्स एंड प्रॉपर्टी, जो भी आपका घर है प्रॉपर्टी है सब जगह से, एंड बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय इथनिक जर्मन्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टी बिहाइंड मतलब छूट गया था पीछे में, तो ऑक्यूपाइड होने लगा इथनिक जर्मन्स ब्राउड इन द ऑक्यूपाइड यूरोप, जो हम लोग का ऑक्यूपाइड यूरोप में है। फिर हम लोग देखेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी,
जो हम लोग का यूथ था नाजी जर्मनी वो कैसा था। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश बाय टीचिंग अ नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। हिटलर ऐसा सोचता था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कभी एस्टैब्लिश हो सकता है जब एक नाजी आइडियोलॉजी चिल्ड्रन के अंदर में डाला जाए। ऑल स्कूल वेयर गिवन द जर्मन टीचर्स, सारे स्कूल में जर्मन टीचर दिया गया एंड चिल्ड्रन वेयर डिवाइडेड इन टू ग्रुप डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। टेक्स्ट बुक जो था वेयर री रिटन, फिर से लिखा गया टेक्स्ट बुक को। एंड द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वॉज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। जो स्पोर्ट्स था उसको इस तरीके से लोग नर्चर किया जिसमें आपका स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन सीखे बच्चा। 10 years old हैड इंटर इन टू जंगलॉफ इट, ठीक है, जो 10 साल के बच्चे थे उसको जंगलॉफ में इंटर करवाया। एंड 14 ऑल बॉयज ज्वाइन हिटलर यूथ, 14 साल या उससे ज़्यादा के जो बच्चे थे उसने हिटलर यूथ ज्वाइन कराया। एंड दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट 18। फिर उसके बाद 14 में ये ज्वाइन करने के बाद आपको लेबर सर्विस ज्वाइन करना है हिटलर के टाइम में, 18 जब के जब होंगे। फिर आया द नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड, तो वुमेन वेयर टोल्ड टू बी अ गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। जो हम लोग का रेयर प्योर ब्लडेड थे उस टाइम के नाजी का जो कल्चर था उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वो थे आर्यन चिल्ड्रन। दे वेयर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, उनको इनकरेज किया जाता कि हाँ ज़्यादा बच्चा पैदा करो। उसके बाद क्या है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा क्या था। द नाजी रिजम यूज्ड लैंग्वेज, तो नाजी रिजम क्या कहते थे, बहुत सारा लैंग्वेज यूज़ करते थे। एंड मीडिया विद केयर, मीडिया को क्या कहते थे, लोग केयर से यूज़ करते थे। ऑफन टू अ ग्रेट इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगाते थे। दे यूज्ड फिल्म्स पिक्चर रेडियो पोस्टर्स एक्सेट्रा, ये लोग क्या कहते हैं फिल्म्स यूज़ करते थे, पिक्चर यूज़ करते थे, रेडियो यूज़ करते थे, पोस्टर यूज़ करते थे। स्प्रेड हेटर फॉर जू, जू के लिए इतना नफरत फैलाते थे ना ये लोग हर तरीका से, कहने लायक नहीं है यहाँ पे ये वाला बात, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम भी करने स्टार्ट हो गया। पीपल सो द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आईज एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज, अब नाजी आई हो गया, नाजी लैंग्वेज हो गया। एट द टाइम्स ऑफ इवेंट जू बिगन टू बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम, अब सब स्टीरियोटाइप हो गया, कौन सा स्टीरियोटाइप हो, नाजी स्टीरियोटाइप। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, तो क्या है, इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हुआ जब, द पीपल केम टू नो अबाउट वॉट हैड हैपेंड, क्या हुआ था यहाँ पे। द ज्यूस वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट द एट्रोसाइटिस एंड सफरिंग दे हैड टू इंड्योर ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, ये लोग नाजी किलिंग ऑपरेशन भी करते थे, इसका दौरान बहुत सारा ज्यू को मारा गया, ज्यूस जितना थे जर्मनी के अंदर। दे जस्ट वॉन्टेड टू लीव इवन इफ इट वॉज अ फ्यू आवर्स टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द होलोकॉस्ट, यही था हमारा गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन एंड सपोर्ट मी गाइस। जय हिंद जय भारत।